उस दिन बताए थे ना निकालना। चल ठीक है, कोई नहीं, कुछ नहीं करना है। ये बस पीछे वाला पोर्शन पहले पहले बैठ जाइए। अब बैठ जाइए, कोई बात नहीं, नहीं नहीं ऑन करने का कोई जरूरत नहीं है। ऑन पीछे पैर से बैक लाना है। आप पहले बैठिए ना, बैठिए, अब बैठ जाइए, बस बैठिए। अब देखिए हैंडल को पहले आगे ले जाइए, हैंडल को जिस साइड मोड़ेंगे पीछे का पोर्शन उधर ही आएगा। ठीक है, अभी कि नहीं, किधर अभी मोड़ रहे हैं देखिए, ये देखिए यहाँ पर स्पेस कैसी है। पीछे का पोर्शन इधर लाना है ना, तो इधर लाना है तो कहाँ मोड़ेंगे, अगर हमको इधर लाना है तो इस साइड बस। हाँ ठीक है, मोड़िए मोड़िए, मोड़ के आना है, मोड़ के आइए आइए आइए। अब देखिए पीछे भी देखना, ये दीवार पे टच हो रहा है थोड़ा सा। अब फिर आगे थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा आगे बढ़ाइए, वैसे करके आगे जाइए, फिर पीछे उल्टा कीजिए, उल्टा उल्टा हैंडल जैसे अभी किए थे। हाँ फिर पीछे आइए 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 आइए, फिर आगे जाइए, थोड़ा आगे जाइए, पूरा आगे जाइए, आगे जाइए जाइए जाइए, पैर से दम लगा के जाइए। हाँ अब फिर उल्टा करिए, उल्टा हैंडल को उल्टा। हाँ आइए पीछे पीछे आइए। हाँ फिर थोड़ा लेफ्ट हैंडल को घुमाइए, लेफ्ट। हाँ पूरा लेफ्ट घुमाइए, पूरा लेफ्ट, पूरा लेफ्ट, पूरा लेफ्ट, पूरा लेफ्ट। देखना भी है पीछे, कार है, कार है, देखिए टच होगा। अब थोड़ा सा फिर आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। हाँ अब एकदम देखिए पीछे मुड़ के देखना है, और हाँ कि किधर मेरा टच हो रहा है। हाँ आइए आइए, थोड़ा इधर घुमा के हैंडल को इधर। हाँ आइए पीछे पीछे आइए आइए आइए, देखिए एकदम अच्छा से ध्यान देकर आइए आइए। ठीक है, थोड़ा सा आ जाइए धीरे धीरे। हाँ पैर को बचाते हुए निकालिए। हाँ ध्यान से, गाड़ी गिरना नहीं चाहिए। हैंडल सीधा कीजिए, हैंडल सीधा कीजिए, हैंडल आप सीधा कीजिए, सीधा कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कीजिए, हैंडल सीधा कीजिए। बैठ के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे भी खड़ा होकर भी निकाल सकते हैं। खड़ा होकर निकालना, एक बार अंदर लगाइए और निकाल सकते हैं अगर निकालना है तो। मेन निकालने में ही प्रॉब्लम आ रहा है ना, रख तो ले रहे हैं। हाँ बस आराम आराम से चला लेंगे ना रोड पे, पीछे थोड़े बैठेंगे हम, अपने गाड़ी से चलेंगे। नहीं धीरे धीरे चलना है, आराम से, आराम से धीरे धीरे चलना है लेफ्ट साइड से, बाकी हम पीछे से रहेंगे अपने गाड़ी से। ठीक है, बस इस रोड से चलाते एक बार आइए, एक बार उसके फिर तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ गाड़ी अपना पार्क, हाँ मेन ही रोड पे भी चलेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये वाला गली में निकालिए ना आप धीरे धीरे, डरिएगा नहीं, धीरे धीरे निकालिए, समय लगेगा कोई बात नहीं, पीछे से रहेंगे रहना, बिल्कुल बस टाइम लगेगा, पैर रख रख के धीरे धीरे, कोई बात नहीं, रोक कर मोड़ लेंगे, कोई वैसा दिक्कत है ना, धीरे धीरे। अब बढ़िया आगे धीरे धीरे, चलिए चलिए चलिए। सो जैसा कि देख सकते हैं गाइस, मैम आज रोड पे निकलने के लिए तैयार हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं पैर का सपोर्ट लेते हुए अपने गली में, काफ़ी इनका थोड़ा सा जो गली का रोड है वो थोड़ा ख़राब है, इसके कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं गाड़ी इधर उधर, देखिए पैर का सपोर्ट ले रही है। थोड़ा आराम से, स्पीड ज़्यादा नहीं, स्पीड ज़्यादा मत करिए, है ना, थोड़ा ख़राब रोड है, गाड़ी उछलेगा। चलिए पैर का भी सपोर्ट लेके धीरे धीरे बढ़िए इस गली में, बहुत ख़राब रोड है जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड है, तो आप लोग के अगर घर के आसपास भी ऐसा ही रोड ख़राब है तो आपको करना कुछ नहीं है, पैर का जैसे भी मैम नीचे सपोर्ट ले रही हैं, है ना, धीरे धीरे करके वैसे निकालना है। मैम का तो थोड़ा सा फ्लुएंसी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वैसे आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है, अपना कैपेसिटी देखना है। मैम काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस की है, इसकी वजह से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, आराम से आराम से, रुक जाइएगा रुक जाइएगा, यहाँ पर अच्छे से पानी पानी से बच के, और उधर से गाड़ी भी आएगा, अचानक से रोड में मत निकालिएगा, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल देख सकते हैं इधर साइड में पानी, और बीच में पूरा मतलब काफ़ी ज़्यादा अभी रोड बना नहीं है, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मैम निकाल ली और काफ़ी अच्छा निकाली है, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा मैम कर लेंगी, है ना,
मैम के अंदर क्या है, थोड़ा सा जैसा कि अभी आपने फर्स्ट टाइम सुना स्टार्टिंग में कि आप मेरे पीछे बैठो, वो डर इतना ज़्यादा है, ये मैम का फर्स्ट डे से मैं देख रहा हूँ, है ना। मैम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरती ज़्यादा है, चलाती सब है। स्लो स्लो स्लो, ब्रेकर है ब्रेकर है ब्रेकर है। देखिए ये सब चीज़ें ध्यान देना है, गली वाले ब्रेकर में आपका वो वाइट स्ट्रिप्स और येलो स्ट्रिप्स नहीं रहते हैं, तो आपको अचानक से दिखता नहीं है, और फिर आप कहीं ना कहीं उस पर अगर तेज से अगर निकालोगे तो बहुत तेज उछलेगी, है ना, बहुत तेज। अगर बड़ी वाली ब्रेकर, गली वाले जो ब्रेकर पे अगर आप निकालते हो तो बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहे हैं, थोड़ा आराम आराम से चलाइए, पीछे पीछे हम हैं, आराम आराम से, ज़्यादा स्पीड नहीं, लेफ्ट साइड से चलिएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल। तो जहाँ तक हम लोग गली का बात किए, तो गली में ही सबको मेन प्रॉब्लम आती है, गली और रोड दो चीज़ ध्यान देंगे। यहाँ पर थोड़ा मिट्टी वाला टाइप है, मेरे बोलने से पहले मैम सारी चीज़ें कर ले रही है, मतलब देख रहे हो कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस कैसे आया है मैम से ही पूछेंगे हम आगे चलकर, आप लोग को ही पता चलेगा। आराम आराम से, गाड़ी से बिल्कुल घबराइएगा मत, लेफ्ट साइड से चलिएगा, ठीक है, डरना नहीं है, चलिए। बाकी अगर आपको भी मैम की तरह कॉन्फिडेंस चाहिए, आज ये फर्स्ट टाइम है मैम का रोड पे, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है कि अभी फर्स्ट टाइम है, तो जाहिर सा बात है रोड पे जब गाड़ी आती है, अभी तक ये खाली रोड पे चलाएंगे अपने घर के पास में, गली के पास, तो रोड पे जब गाड़ी आती है तो जाहिर सी बात है कोई भी नर्वस होता है, मैम भी थोड़ा सा नर्वस हो रही है, है ना। डरना नहीं, आराम आराम से, आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, जहाँ ज़रूरत पड़े पैर नीचे रख सकते हैं, हाँ, राइट साइड से, लेफ्ट से मत निकालिए, क्यों लेफ्ट से निकालते हैं, राइट से, लेफ्ट, हाँ उधर से निकालना है, कभी भी लेफ्ट से नहीं निकालिए, रुक जाइए जाने दीजिए, इधर आइए, थोड़ा पीछे करके इधर से निकालिए आप, हाँ आप आइए धीरे 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 धीरे, अभी भी लेफ्ट से किसी को क्रॉस मत कीजिएगा, ठीक है, अगर उससे आगे जाना है उसके राइट साइड से निकलना है, लेफ्ट से फंस जाइएगा, चलिए। नहीं नहीं उस साइड क्यों, लेफ्ट साइड चलना हमेशा, लेफ्ट साइड है वो आने वाले का रास्ता है ना, आराम आराम से चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हॉर्न लगाते हुए बढ़ते रहिए, हाँ डरना नहीं है बिल्कुल, एकदम एकदम कॉन्फिडेंस रखना है, चलिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। रोड पे थोड़ा सा आने से पहले आप लोग ध्यान देंगे कि कभी भी फर्स्ट टाइम रोड पे आए तो जाहिर सी बात है आप कभी भी आते हैं, सुबह में आते हैं या शाम में आते हैं, सुबह में तो थोड़ी कम भीड़ मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके लिए रोड पूरा खाली रहेगा, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं मॉर्निंग का टाइम है लेकिन गाड़ी चल रही है, आराम आराम से, ज़्यादा गाड़ी से स्पेस बना के चलिए, चलिए बढ़ते रहिए गाड़ी से स्पेस बनाकर, चलिए 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 चलिए, निकालिए निकालिए आप, निकालिए निकालिए, अभी थोड़ा सा डर है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो डर कैसे ख़त्म होगा जब तक हम लोग निकलेंगे नहीं, है ना। तो मैम अभी तक तो घर के आसपास प्रैक्टिस करके बहुत कॉन्फिडेंस गेन कर ली है, लेकिन रोड पे जब आने का टाइम आता है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप 2 से 3 दिन थोड़ा सा आपको डर लगता है, फिर आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो मैम की तरह अगर चलाना है तो लगभग आपको मैं बोलूँगा कि 15-20 दिन, 1 महीने, मैम लगभग 1 महीने मुझे लगता है प्रैक्टिस की होंगी, खुद से प्रैक्टिस की है, मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, अपने घर के पास में खूब चलाई है, अब जाकर मुझे बुलाइए 1 महीने के बाद, तो बस 2 चक्का यही काम करता है, आपके 1 महीने कॉल के बाद भी 2 चक्का आता है आपके लोकेशन पे, क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव है आप लोग को रोड पे निकालना, लेकिन इसके पीछे मेहनत आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस सीखे और अगले दिन रोड पे निकाल दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, है ना। अगर वो पॉसिबल होता और वो जो लोग जिद करते हैं कि मुझे अगले दिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो सीधा सा है कि मैं बोल दूंगा उनको कि आप मुझे एक पेपर पे साइन करके दे दो कि आपको कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी 2 चक्का नहीं लेगा, क्योंकि यार आप लोग के सेफ्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, अगर वही चीज़ में अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको डांट नहीं सकते हैं, आपको समझा ही सकते हैं कि आपके लिए रोड सेफ नहीं है, अभी अभी जस्ट सीखे हो, सीखने के देखिए आज कितना स्मूथली धीरे धीरे अब रन करने लगी मैम, तो ये सब कॉन्फिडेंस का चीज़ है, रोड मैं यही बोलता हूँ, रोड पर आना बहुत आसान है, बस आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस के लिए आपको करना होगा प्रैक्टिस पूरा जम के, जितना प्रैक्टिस लग जाए अपने लाइफ का, समझो कि 1-1.5 महीने 2 महीने पूरा दे दो, उसके बाद लाइफ टाइम, अब मुझे नहीं लगता है कि अब मैम को मेरी ज़रूरत इन फ्यूचर पड़ेगी, हार्डली 1 से 2 दिन इनको और ज़रूरत पड़े और मैं इनको निकलवा दूँ, है ना।
तो यही चीज है, आप लोग भी बिल्कुल रोड पे आने से पहले ये चीज बिल्कुल ध्यान दीजिए कि रोड सिर्फ माइंडसेट का गेम है। रोड पे आना सिर्फ माइंडसेट का गेम है। आप लोग भी रोड पे चला सकते हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कोई काम नहीं कर सकता। बस उसके लिए पूरा जम के प्रैक्टिस करना होगा आपको। वही हम लोग बस स्टैंड की तरफ चलेंगे जहाँ जाते थे, और बिना हेलमेट का चलते हैं। पहले साइड कीजिए, तो मैं भी ध्यान नहीं दिया, पहले रोक कर हेलमेट लगाइए। हेलमेट नहीं है, रुक जाइए, मेरे गाड़ी में होगा। हम तो लगे इतना ही जाएगा। अच्छा मैं भी ध्यान नहीं दिया आपको, अभी जस्ट ध्यान आया, वहाँ पुलिस को देखा तब याद आया मुझे कि हेलमेट नहीं है आप। तो मैं हेलमेट लगाया था, पकड़ता आपकी को। चले आगे से ब्रिज पे होते हुए, वहां बस स्टैंड जहाँ गए थे हम लोग सीखने फर्स्ट डे। चलिए आराम से चलिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, लेट लगे 5 मिनट कोई बात नहीं, आराम आराम से चलिएगा। देखिए मैम हेलमेट नहीं लगाई थी और मैं भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मैं भी जब चलाने लगी मैम तो अभी जस्ट मैं यहाँ ट्रैफिक पे नजर गया, ट्रैफिक पुलिस में। आगे आगे चलिए, आगे से लेफ्ट, आगे से लेफ्ट मेन रोड से चलते रहिए। तो ट्रैफिक पुलिस पे नजर जाने के बाद मुझे भी याद आया कि मैम ने हेलमेट नहीं लगाया है। और देखिए पुलिस से बचने के लिए हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, पहली चीज। पुलिस तो एक मतलब जरिया है हमारे सेफ्टी के लिए ही बोलता है वो, है ना। कोई भी हो, ट्रैफिक पुलिस हो, आपके सेफ्टी के लिए सब काम हो रहा है। अगर आप ही नहीं लगाओगे तो वो लोग, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ दूसरा उपाय उन लोगों को देना पड़ेगा जिससे मजबूरन आपको हेलमेट लगानी पड़ेगी। उनको क्या फर्क पड़ता है यार, आप हेलमेट लगाओ ना लगाओ, लेकिन फाइन जो हम लोग पुलिस से, जो हमारी चलान कट जाती है, बस चलान इसलिए कटती है ताकि आपके अंदर डर आ जाए और डर से आपकी जान बच जाए। इनडायरेक्टली वो आपके जान को बचाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हेलमेट बिना लगाए रोड पे ना निकले, पहली चीज, ठीक है। बिल्कुल अपने गाड़ी में हमेशा हेलमेट रखें, क्योंकि स्कूटी खासकर जो चला रही हैं लेडीज, लड़कियां, लड़के, कोई भी चला रहे हैं, अंदर में स्पेस होता है। ये भी नहीं बाइक की तरह कि हाथ में लेकर चलना है, स्पेस नहीं है कहीं मुझे लगाने का। अंदर स्कूटी के अंदर लगा लिए, डाल लिए, अगर ऑफिस अंदर गए तो बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो हेलमेट जरूर लगाएं, ठीक है। अभी हम ब्रिज पे जा रहे हैं, देखिए कहीं मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्रिज कैसे, ब्रिज क्रॉस करें, कुछ नहीं, बस सब चीज कर लेंगे, सब रोड सेम होता है। बस आपको करना क्या होता है, प्रैक्टिस करके और आ जाना है। और बाकी मैं पीछे पीछे भी इसलिए हूँ, अभी जैसे आपने सुना फर्स्ट टाइम जब इनके घर के पास मैं था कि आप मेरे आज पीछे बैठिए फर्स्ट डे, अगर मैं आज बैठ जाता तो जाहिर सी बात है ठीक है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस अच्छा आता। लेकिन मुझे पता था इनका, मैं परफॉर्मेंस देख चुका था, इन्होंने मुझे वीडियो भेजा था कि मैं अभी ऐसा चला रही हूँ, मुझे लग रहा था कि अब ये रोड पे निकाल लेंगे। और जब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगले रोड पे निकल सकते हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि वो गलती करेंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलती नहीं करेंगे, लेकिन बहुत कम चांसेस है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ वो चला लेंगे, ठीक है। आराम आराम से हॉर्न लगाते हुए निकलेंगे, बढ़ते रहिए, ठीक है। तो यही है हमारा ओवरऑल रोड का। और आगे अभी हम लोग, ये तो अभी डबल रोड है, जैसे बीच में जो डिवाइडर होता है उसको डबल रोड, है ना, डिवाइड करता है। तो इसमें हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर कम होता है। जब हमारा सिंगल रोड होता है, जैसे मान लीजिए ये सिंगल रोड है, उसमें आना जाना दोनों होता है गाड़ी का, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जब सामने से गाड़ी एक ही रोड पे आती है ना, तो थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ जाता है ना। कैसा लग रहा है? चलिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे मैम को, मैम ने बस बोला बहुत अच्छा। बाकी तो मैम जब रोकेंगी तो थोड़ा पूछेंगे मैम से भी, क्योंकि मैम खुश हैं काफ़ी, मैं यहाँ से मिरर में देख पा रहा हूँ। तो ये खुशी सिर्फ आप लोग ही बता सकते हो, क्योंकि मेरा काम है डेली सिखाने का। तो मैं तो हर एक दूसरे तीसरे दिन एक नए को रोड पर निकालता हूँ, तो उतना शायद मैं, मेरी खुशी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जो उससे मेरे से दुगनी तिगनी खुशी आपकी होगी। क्योंकि आप लोग के लिए यार एक कहीं ना कहीं ये ड्रीम है, और जब ये ड्रीम पूरा होता है किसी का भी, तो हर किसी को खुशी होती है, ठीक है। बाकी आप लोग कहीं भी सीख रहे हो, सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई अदर ड्राइविंग स्कूल से आप लोग सीख रहे हो या फिर घर वाले से सीख रहे हैं। तो बस ध्यान रखिए ये चीज़ कि तरीका सही होना चाहिए। आपके जो ट्रेनर हैं, आपके जो
सिखाने वाले हैं वो आपके साथ हो हमेशा, आपको सपोर्ट करे, आपको मोटिवेट करे। ऐसा नहीं कि दो दिन आप गलती किए तो आपको डांट कर भगा दे, नहीं तेरे से नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। ऐसा अगर करोगे तो क्या होगा ना कि उनके अंदर जो थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस जागी है वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। मैं बताऊं तो फर्स्ट डे मैम का जो था, फर्स्ट डे काफ़ी मतलब मैं बोलूं कि बहुत पुअर था। पुअर क्या मतलब, बिल्कुल बेसिक जीरो था, है ना, कुछ नहीं आता था। मैम थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाने में गिरा देती थी। आपको विश्वास नहीं तो मैम की वीडियो मैं दिखा दूंगा, मैम की वीडियो भी हो सकती है मेरे फ़ोन में होगी, ठीक है, उनका वीडियो मैं डाल दूंगा शॉर्ट्स में। बहुत मतलब, और आज इनका ऐसा दिन आ गया है, ये रोड पे ट्रैफिक में चला रही हैं, तो समझ रहे हो, एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा, बस उस सपने के लिए पीछे हटना मत। बस यही मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने सपने के लिए पीछे हटना मत, हार मत मानना, लगे रहना। कितने दिन परेशान करेगा ये, एक महीने, दो महीने, आप पूरा दो तीन महीने झोंक दो अगर आपको कितना भी टाइम लग रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्कूटी को एज अ समझते हैं कि बहुत ही आसान चीज़ है यार, 10 दिन हो गए अभी नहीं सीख रहे, अब छोड़ दे, तेरे से अब नहीं होगा। बस इतने में ही तो स्टार्ट क्यों किया था, जब 10 दिन में छोड़ना ही था तो स्टार्ट ही क्यों किया था। मैं तो यही बोलूँगा, जो लोग 10 दिन के प्लानिंग से सीख रहे हैं, 5 दिन के प्लानिंग से सीख रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, रोड पर चला लूँगी, तो आप लोग स्टार्ट प्लीज़ ना करें, आप लोग ऑटो से जाएंगे, आराम आराम से, आराम आराम से, ऑटो 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 ऑटो, ध्यान से फिर लेफ्ट निकालते हैं। अभी आपको क्या बताए थे, चलिए चलिए चलिए, निकालिए निकालिए, अब निकालिए। देखिए ये कभी गलती आप लोग मत करना, लेफ्ट साइड से कभी मत निकलना, ये जैसे अभी मैम अभी गलती की है, आप लोग बिल्कुल गलती ऐसे मत करना हमेशा। देखिए लेफ्ट साइड अभी ये स्पेस है, यहाँ तुम लोग निकल गए, लेकिन राइट आप चल रहे हो और अचानक से लेफ्ट कट ले रहे हो, वो गलत है। आगे से टर्न लेना है, इस वाले में ध्यान देकर रोक कर आराम से क्रॉस करेंगे, पीछे से गाड़ी भी आती है। हाँ चलिए चलिए चलिए, आराम से पीछे की गाड़ी देखकर, आराम से गाड़ी देख देख कर, धीरे धीरे चलिए 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 चलिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आराम से, इतना भी स्पीड मत चलाइए, धीरे धीरे संभल के, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, लेकिन आप लोग भी देख रहे हो कितने छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको पता चल रहे हैं, क्योंकि एक रियल एक्सपीरियंस होती है। मैं कितना भी खुद से वीडियो बना लूँगा ना, मैं इसलिए मैं एक दिन में तो यह समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा आप लोग को। मैं अपनी वीडियो बना के किसी से शूट करवा लिया और उसको पूरे रोड का वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये जो है ना, ये बिगिनर है आपकी तरह, तो इनसे आप कनेक्ट कर पाओगे, मेरे से आप कनेक्ट उतना नहीं कर पाओगे जितना इनसे कर पाओगे। मैं तो आपको, क्योंकि मुझे एक अच्छे से ड्राइव करने आता है ना, अच्छे से चलाने आता है, तो मैं वो चीज़ आसानी से करके दिखा दूंगा, तो आपको बहुत बहुत आसान लगेगा। लेकिन ये बिगिनर है ना, अभी जस्ट सीखे हैं, एक डेढ़ महीने हुए हैं, तो आप भी इसी स्टेज पे हो, तो आप इनसे जो कनेक्शन लोगे ना कि अरे मैम भी यही गलती कर रहे हैं, मेरे से भी यही गलती हो रही है, ये मैम ठीक की है अभी, हाँ ऐसे ही मैं भी करूँगी, तो वो एक कनेक्ट कर पाओगे। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ जो लोग सीखते हैं उनका, क्योंकि आप लोग सीखने वाले, और सीखने वाले एक दूसरे को जब देखते हैं ना कि ये भी मेरे ही स्टेज पे है, तो एक अलग ही मोटिवेशन आप लोग को मिलता है, ठीक है। तो बाकी बहुत अच्छा है, आप लोग भी कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे काफ़ी कॉल्स मैसेज आते रहते हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो देखिए, और बहुत लोग के कमेंट ये भी रहता है, मैं इसके लिए आप लोग से इस वीडियो में सॉरी बोलना चाहूँगा कि अगर मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ टाइम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो देखो होता क्या है कि मैं ट्रेनिंग भी देते रहता हूँ यार, और जब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मैं भी इंसान ही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, आराम चाहिए, और उस टाइम पे आप लोग जब फ़ोन करते हो, शायद मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ ट्रेनिंग के टाइम, तो ऐसा नहीं है कि मैं फिर कॉल बैक नहीं करता हूँ, बात होती है हमारी, है ना। तो अगर मैं, आप लोग बोलते हो किसी आप स्टाफ को रख लो, सपोज मैं रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसे 5-10 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार दे भी दिया, लेकिन वो आपको जो आपका प्रॉब्लम है वो उतना सॉल्व नहीं कर पाएगा जितना मैं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि वो सिर्फ कॉल उठाने के लिए है, तो वहाँ पर क्या कुछ फ़ायदा होगा आपको। इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा यार आप लोग बस मुझे कॉपरेट करना, बस यही मैं बोलूँगा। बाकी तो कमेंट लोग करते ही हैं कि आप फ़ोन रिसीव नहीं करते हो, तो आप लोग को सॉरी बोलूँगा जो लोग कमेंट ऐसा कर रहे हैं कि गलती मेरी है, टाइम नहीं मिल पाता है इसके कारण। बाकी आप लोग के लिए जितना बन पड़ेगा, YouTube पे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे, और जितना
छोटा छोटा चीज है आप लोगों को सिखाना हमारा मेन मकसद है। और हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग भी आप जानते ही हो हर जगह है, वहाँ आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो जहाँ से भी आपकी मर्जी हो, दिल्ली में है, पटना में है, रांची में, भोपाल में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, जमशेदपुर में, मतलब सोनीपत में भी है, बहुत जगह हमारा ब्रांच है। आप वहाँ से एकदम बेफिक्र होकर ट्रेनिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस भाई पे भरोसा रखिए, इस दो चक्का पे भरोसा रखिए, है ना, मेरे से ज़्यादा इस दो चक्का के प्लेटफॉर्म पे रखना भरोसा, क्योंकि इसके पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं, है ना, बस आप लोग के लिए काम कर रहे हैं। और बस ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहेंगे, बाकी आप देख ही रहे हो सिंगल रोड है लेकिन थोड़ी सी भीड़ कम है। अब कोई भी सामने से जो गाड़ी आती है हम लोग तुरंत पहले ही नर्वस हो जाते हैं, जो बिगनर होते हैं वो ट्रक को देखे और पहले ही नर्वस हो गए, अरे हाथ कांपने लगे, तो वो हाथ कांपेंगे तो फिर आप बस गड़बड़ करना शुरू कर दोगे, ठीक है, वो फिर वहां कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए बिल्कुल डरना नहीं है आप लोग को, कोई बात का सोचना नहीं है कि रोड पे निकलने से पहले, हाँ लेकिन पूरी तैयारी के साथ, जब अच्छे से आपको लगे कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा नहीं कि चार दिन चलाएं सीख गए, पांचवें दिन फिर किए और छठे दिन रोड पे निकल गए, बस उसमें एक मिस्टेक से भारी नुकसान आपको हो सकता है, भारी नुकसान मैं बता रहा हूँ। सीधे चलना है, सीधे बस स्टैंड की तरफ, बस स्टैंड आराम से, आराम से, स्लो 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 स्लो, देखिए दोनों साइड से गाड़ी आएगी, ध्यान देकर आराम आराम से, ठीक है, यहीं पर साइड करके रोकिएगा, साइड करके आराम से रोकिएगा, आराम से आगे चल के, आगे चल के, बस यहीं साइड करके रोकिएगा आगे, बस बस आगे लेकर, अभी तो बोल रहे थे डर लग रहा है, आ गया ना, अच्छा हम तो पीछे थे, आप तो अकेले ही चला रहे थे, चलिए चलिए धीरे धीरे बढ़ते रहिए, बढ़िए बढ़िए बढ़िए, आराम से आराम से आराम से, थोड़ा उल्टा कीजिए, हाँ धीरे धीरे, कार को बचाकर और दीवार को, धीरे 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 धीरे, हड़बड़ी नहीं हड़बड़ी नहीं, चलिए धीरे धीरे निकालिए, दोनों हैंडल को बचाना है, टच नहीं होने देना, आराम से बस, आज कितना गड़बड़ किए, इसलिए तो आपको, आप रहते तो फिर भी इतना कॉन्फिडेंस रहता है, अपने खुद से एक दिन में नहीं तो आपको हम बार बार बता रहे ना, स्पीड नहीं चलाना है, स्पीड चलाइएगा दिक्कत हो जाएगा आपको, हैंडल लॉक नहीं, अभी नहीं, पहले पहले स्टैंड लगाइए, हैंडल मोड़ के ना लॉक होता है, ऑटो के पास में जब हुआ था हम सच बगल से काट ले, नहीं नहीं कैसे काटना है, आप इतना स्पीड से काटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, वहाँ हमेशा पहले स्लो कीजिए, कोई किसी को भी राइट ले रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, स्लो करके तब निकालिए, जब आपको लग रहा है कि अब सीध, हाँ वो जब आपको लग रहा है कि अब मेरे पास स्पेस है, अब हम निकल जाएंगे, तब बिल्कुल उसके पास से निकलिए, टच हो जाएगा थोड़ा सा भी, बस सीधे सही हुआ, अभी हम सोचे उसके बगल से निकाल लें, नहीं नहीं टच जहाँ हुआ और स्पीड में रहे, बस सीधे फेंका जाएंगे गाड़ी पे, तो उसका हैंडल पकड़ लिया, वही वही इसीलिए बोले हम, वहाँ कार के पास भी वही गलती आप की, नहीं कार के पास मेरी गलती होती, ले लेके जा रहा था तो हम बगल से ले जाना चाहे उतने में वो कार आ गया, हाँ तो वही हुआ, देखिए आप वीडियो में देखिएगा, वीडियो तो खैर डलेगा तो आप देख लीजिएगा, वो हॉर्न मार रहा था, वही चीज, लॉक कीजिए लॉक कीजिए, नहीं उधर इधर पहले ये हैंडल ऐसे कीजिए, हाँ चाबी को प्रेस करके नीचे थोड़ा सा प्रेस करके, वो प्रेस करना है, हैंडल ऐसे घुमाए, तो